हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गौड़। आज हम इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म की थर्ड यूनिट के थर्ड टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पत्रकारिता में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया कि अगर आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास ऐसे बहुत सारे विकल्प खुल जाते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि पत्रकारिता करने के बाद हम सिर्फ पत्रकार बनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, एजुकेशन, इन सभी फील्ड्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया में आप दो स्पेसिफिक सेक्शन में जा सकते हैं। पहला है आपका कंटेंट में। अगर आपको कंटेंट लिखने में रुचि है तो आप एज अ कंटेंट राइटर भी प्रिंट मीडिया में वर्क कर सकते हैं। दूसरा, आप रिपोर्टिंग पर जाकर के रिपोर्टर बन सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए आपको स्पेसिफिक उस जगह पर जाकर के उस पूरे इंसिडेंट को कवर करना होता है और उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। आप स्पेसिफिक कई जिस भी बीट में आपकी रुचि हो आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। आप के रुचि के अनुसार आपको बीट भी मिल सकती है, जैसे कि एग्रीकल्चर बीट, आर्ट बीट, बिजनेस बीट, सेलिब्रिटी बीट, क्राइम बीट, एजुकेशन बीट, साइबर बीट, वेदर बीट, लाइफस्टाइल बीट, पॉलिटिकल बीट, फैशन बीट। इन सभी में आप स्पेसिफिक बीट पर अपना करियर अपनी रुचि के अनुसार बना सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो एज अ एंकर भी आप अपना करियर बना सकते हैं, एज अ रिपोर्टर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी अपना करियर बना सकते हैं। बात करें अगर हम रेडियो की, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कैमरा फेसिंग करने में बहुत हेजिटेशन होता है। वो कैमरा के सामने आकर के बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी आवाज़ में वो दम होता है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो एज अ रेडियो जॉकी भी वर्क कर सकते हैं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएशन है और आप अपने क्रिएशन के थ्रू एक नया ऐड का इन्वेंशन कर सकते हैं, तो आप एज अ राइटर भी एडवर्टाइजमेंट अपना वर्क कर सकते हैं और एज अ क्रिएटर भी आप एडवर्टाइजमेंट अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम पब्लिक रिलेशन की बात करें, तो पब्लिक रिलेशन आज के समय में बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही डिमांडिंग है। लोग इसमें बहुत ज़्यादा करियर बना भी रहे हैं। जितने भी आज के टाइम में सेलेब हैं, उनका एक पर्सनल पीआर वो होता है जो मीडिया को उस सेलेब की इन्फॉर्मेशन देता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है या क्या कैसे कांटेक्ट करने हैं लोगों से। एक इमेज बिल्डिंग करने का काम पीआर का होता है। वो आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं जो कि मीडिया को या फिर लोगों को उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप एज अ एजुकेशन, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप स्पेसिफिक पत्रकारिता में एज अ टीचर वर्क करना चाहें, तो आप एज अ लेक्चरर और एज अ प्रोफेसर भी आगे पत्रकारिता में अपना करियर बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे बीट्स हैं जिसमें आप पत्रकारिता में अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।